अस्सलाम वालेकुम जी, ईद का पहला दिन है और मेरी तरफ से हम सब की तरफ से आप सबको प्यारी सी मीठी सी अच्छी सी मोहब्बतों वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि यहाँ सुबह हो गई है और हम उठे हैं अभी 4 बजे, तक 4:30 बजे हैं और आज मजे की बात है नींद ही नहीं आ रही थी कि उनकी रूटीन ऐसी थी रमजान की सुबह सुबह उठने की। खैर हम उठ गए, बच्चों को उठाएंगे, नमाज अदा करेंगे, दुआ खैर करेंगे और कासिम ने मुझे कहा था कि नमाज 6 बजे होनी है। वो खैर बाद में चला कि नमाज बड़ी देर में होनी है। खैर इनके 6:30 के बाद 6:30 होनी है। बाहर हम सब यहाँ उठ चुके हैं, हम नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे और अफसोस ये कि मैं रात बच्चों के कामों में इतना खप गई थी कि रात मुझसे मेहंदी लगाई नहीं गई और होपफुली आज शाम को जब टाइम मिला मुझे हम लगाएंगे मेहंदी। और बस अब देखते हैं आप हमारा व्लॉग देखें, बहुत छोटी खुशियां हैं, बस इनको अवेल करते हैं, इनको एंजॉय करते हैं। बाकी अल्लाह मियां सबको 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 इस दिन के सदके तमाम उनकी जायज ख्वाहिशों को पूरा करे, उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, खुशियां दे, प्यार मोहब्बत अमन ईमान के साथ वो इस साथ खुशी खुशी रहे। बस ये दुआएं थी, मुझे मेरी दुआ किया करें मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और सबके लिए। ठीक है जी, खुश रहें और देखें व्लॉग। खाना पीना होता है ईद पे, होता क्या, कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं। बस ईद जो है ना असल की होती बच्चों की है। सही बात है, यानी कि मुझे यहाँ पड़ता है बचपन में हमारे, हमने बस चूड़ियां पहनी, कपड़े पहने। अम्मी तो हमारे ना दो दो दिन इनके सुबह के शाम के अलग अलग ड्रेस होते थे हमारे और हर ड्रेस के साथ मैचिंग पर्स, शूज, ज्वेलरी, बिंदिया तक हमारी। तो अब यानी कि अब हम इतने बड़े हो गए, हम बच्चों के लिए करते हैं हम सब कुछ और अपने लिए हम फिर भी कुछ मिस कर ही जाते हैं। बहरहाल लेकिन इससे यही जिंदगी है, जिंदगी का मजा ही यही है कसम से, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और यहाँ जब मेरी जान सब मेरे पास हो ना, मुझे मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है। बहरहाल जी व्लॉग देखें, खाना पीना मजा मस्ती, तो बस देखते रहे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपकी ईद का पहला दिन कैसा गुजरा। चलें जी देखते हैं व्लॉग। और ये मेरा मित्तू, ये मेरा शहजादा, फूफो का बेबी, फूफो की जान। मैं देखने लगी थी, रिकॉर्ड करने लगी थी कि सोए हुए ईद पे है ना, आप सोए हुए थे, दोबारा वापस हो ना अपने पोज में आए। हाँ जी सोए हुए थे। आज लोग कहते हैं कि हमने सो कर ईद मनाई और हमने कैसे की है, हमने जाग जाग के ईद मनाई है। यानी कि इस टाइम अभी टाइम क्या हुआ है, 9 बज रहे हैं, 9:15 तकरीबन हो रहे हैं और हमारी तो हो गई है बस। क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, सुबह 4 बजे उठे क्योंकि वो रमजान की ऐसी रूटीन बनी हुई थी कि सैरी में उठना है और वो सारा कुछ, तो वो मेरी 3 बजे की आंख खुल गई थी। हालांकि सहरी में आंख लेट खुल जाती है। आज 2 बजे से ही मैं बस मेरे माइंड में था उठना है। और 4 बजे खैर उठी गई, मैं 4 बजे उठी, फिर नमाज पढ़ी, बच्चों को ऐसा उठाया और इन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे अजान नमाज होगी। ओह अल्लाह, और 6 बजे के 6:30 के बाद नमाज थी, 6:30 6 बजे से पहले तैयार हो कर मुझे जा चुके थे तो अच्छा ना, पौने 6 बजे हम लोग मस्जिद पहुंचे थे। हाँ, तो वहाँ पे 2 बंदे थे बस, ठीक है ना। और जैसे ही 15 मिनट गुजरे थे, जो जैसे ही 10-15 मिनट गुजरे हैं उसके बाद लोग ऐसे रूम की तरह आना शुरू हुए और फौरन भर गई बस।
तो बहरहाल ये है कि इसमें अपना नींद से आंखें नींद में डूबी हुई आंखें, और लेकिन सुबह के लिए कुछ बनाना था। हाँ इसे भरना है वो कहा है मीटर ये इससे करना है। तो ये है कि इस वक्त तुन होने वाले हैं हम, लेकिन हमने भी सुबह के लिए कुछ बनाना था असल में, तो वो मैंने कहा अभी बना कर सोते हैं, तो वो बना रहे हैं साथ साथ हम मिलके कुकिंग करनी थी आज हमने ना एक्चुअली। लेकिन सारा दिन इतना मजा आया यानी कि मैं कहती हूँ बाकी ईद जो है ना ईद असल बात है सब अपने साथ हो, यानी कि जो अपने हैं अपने मुराद ये नहीं कि जो सिर्फ आपके जो रिश्तेदारी हैं, बस जिनसे प्यार है ना, जहां पे खलूस है जहां पे मोहब्बत है वो लोग जब साथ हों, हर दिन ईद है और वो ईद मीठी क्या मीठी से भी मीठी ईद है कसम से, है ना कसम। तो खैर तो बेल हो गई कोई आ गया, वाह क्या बात है। चले अच्छा ठीक है यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे क्योंकि इसके बाद जो भी मेहमान शेहमान आया है उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हम तुम कि लास्ट एपिसोड कितना मजे का ड्रामा है। मैं एक बात कहूंगी उस ड्रामे में ना इतने ज्यादा मैं बात करने निकलती हूँ, उस ड्रामे में ना कसम से हर पहलू पे बात की है, हर पहलू पे बेटा ना होने पे बेटियों के पावरमेंट के बारे में, वुमेन के खासतौर पर जहेज के बारे में, दुशादी के बारे में, तलाक याफ्ता बच्ची के बारे में, बूढ़ों के जो एजड लोग हैं ओल्ड एज जो है हमारे बुजुर्ग है उनकी महरूमी यानी कि उनकी जो उनका जो अकेलापन है उसके बारे में, इवन के छोटे पहलुओं के बारे में इतनी अच्छी बातें नोट उन्होंने हमें सामने थीम पेश किया। दानिश नवाज ब्रिलियंट, मैं कहती हूँ रेगुलर भी ना रमजान के अलावा भी ऐसे ड्रामे में जाने चाहिए कि उसको देख के ना पॉजिटिव वाइब्स आए ना कि वो नेगेटिव वाइब्स अजीब अजीब सी। बहरहाल ये हम लोग एंड करेंगे, अपना ख्याल रखें, मुझे और सबको दुआ में याद रखें, ईद मनाएं, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।